कैन सी द फ्लो, फ्लो इतना तेज है कि किसी को भी बहाने को तैयार है। भैया ने मुझे बोला है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं जाऊंगा लमसुम और भैया मुझे अच्छी अच्छी जगह घुमाएंगे। तो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस रूम, गुड बाय टू दिस सिटी एंड गुड बाय टू हिमालयस। ज़्यादा दिन के लिए नहीं आया था, मेरा जो प्लान था वो अप्रॉक्सीमेटली तीन दिन हुआ। एक दिन निकला, एक दिन रुका और एक दिन वापस। तो चूँकि अभी ऑफिस में बहुत सारा काम है तो काम भी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी अकेले घूमने के लिए काठमांडू मुझे जहाँ तक लगा कि एक दो दिन मोर देन एनफ है। पशुपतिनाथ में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था मुझे क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बाकी नागरकोट में गया, माइंड ब्लोइंग कह सकते हो आप, बहुत प्यारा है। और जब मौसम साफ होगा ना तो काठमांडू आने का, बेसिकली जो ये टाइम है बरसात का इसमें मत आओ आप। आपको अगर आना है, क्योंकि मैं बाइकर हूँ, मुझे वाटरफॉल्स पसंद हैं, मुझे पहाड़ों पे गाड़ी चलाना पसंद है, तो मेरे लिए व्यू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए राइड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट जो यूजुअली लोग आते हैं उनको व्यू चाहिए होता है, तो आप थोड़ा सा ना अक्टूबर के बाद आओ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें जब ठंड पड़ती है यहाँ पे तब आओ, मौसम साफ रहता है और काठमांडू बहुत सुंदर होता है। अच्छा ट्रिप रहा। मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मैंने अभी ट्रेलर डाला है, कल रात में अपलोड किया था मैंने, उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया आपने। विद इन 9 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली 250 के करीब व्यू हो गए थे और मेरे 50+ सब्सक्राइबर बढ़े विद इन सम मिनट्स के सम आवर्स कह सकते हैं। तो अगर ऐसा सपोर्ट दिखाओगे ना तो अच्छा लगेगा, ऐसे वीडियो बनाना, व्लॉगिंग करना, दूर आना अकेले। क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के कि अकेले राइड क्यों करते हो, तो रीज़न यही होता है कि मेरा कोई प्लान नहीं होता, मैं बिना प्लान के निकल जाता हूँ। तो अभी मैं जैसे बिना प्लान के, वो मेरे ऊपर था ना कि मैं कैसे टाइम मैनेज करता हूँ, कैसे पैसे मैनेज करता हूँ या फिर कैसे अपने ऑफिस को मैनेज करता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे साथ होता तो मैं उसको कन्विंस नहीं कर सकता, या मैं उससे उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वो अचानक से सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग करे। मैंने अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग की हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी मेरे अकॉर्डिंग कर पाए। इसलिए मैं सोलो राइड करता हूँ, मूडी आदमी हूँ, जब मन करे तब निकल जाता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर आपकी मर्ज़ी, आपको अगर अच्छा लगता है, आपकी अगर है आपके आपके अंदर तो शेयर कर देना, वरना लाइक और सब्सक्राइब तो आपके हाथ में है, शेयर भी आपके हाथ में है, लेकिन लोगों को, कुछ लोगों को शेयर करना पसंद नहीं होता है, तो इट्स ओके, डोंट वरी, मतलब मुझे बुरा नहीं लगता है। थोड़ा सा जो मेरे बहुत अपने हैं ना, जो मेरे व्हाट्सएप हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो शेयर करें एटलीस्ट। बाकी अपने तो, अपनी तो पूरी दुनिया ही होती है एक तरीके से, बट कुछ बहुत करीब के होते हैं उनसे उम्मीदें होती हैं। सो विथ ऑल दिस आई एम पैक्ड अप, सब कुछ पैक हो गया है, यू कैन सी, बैग पैक कर लिया, ये भी बैग पैक हो गया है, ये सब चीज़ें अभी मैं वियर करूँगा। तो यहाँ पे लमसुम के भैया हैं इस वाले होटल में, तो नेपाली भूमि होटल था। तो भैया ने मुझे बोला है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं जाऊँगा लमसुम और भैया मुझे अच्छी अच्छी जगह घुमाएंगे। वैसे यहाँ पे भैया ने बहुत अच्छा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब ये होटल बहुत अच्छा है, अगर आपको आना है तो यहाँ पे आ जाना, बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया था भैया ने मुझे। और ठीक है भैया, थैंक यू, थैंक यू सर, मिलेंगे, आऊँगा जब भी कॉन्फर्म होंगे। ठीक है, सो काठमांडू से हम निकल चुके हैं और मौसम शाइनी सा है, सनी सा अच्छा लग रहा है, सही टाइम पे निकला हूँ, 8:30 हो रहा है, आराम से अपना पैकिंग वैकिंग किया है, जल्दीबाजी में नहीं निकला हूँ, कोई जल्दीबाजी है नहीं वैसे, हौले हौले चलना है। बाइक के एक साइड का फ्रेम स्लाइडर है नहीं, तो वैसे भी ज़्यादा रिस्क लेके गाड़ी चलाऊँगा नहीं मैं, क्योंकि फ्रेम स्लाइडर रहता है तो एक इम्पैक्ट तो वो झेल लेता है एटलीस्ट, लेकिन अभी है नहीं, तो अभी अगर इम्पैक्ट पड़ता है बाई द चांस, भगवान ना करे ऐसा हो वो, तो फिर दिक्कत कर देगा वो। द व्यू इज़ मैग्निफिसेंट,
बहुत खूबसूरत व्यू है यार सच में। हल्की हल्की सी धुंध टाइप की है, बहुत क्लियर नहीं होगा लेकिन हाँ आया तो होगा ही। हिमालयस की सच में बात ही अलग है, इतने खूबसूरत होते हैं ना ये। इंसानी दिमाग ऐसा ही होता है भाई, आप चीजों से बोर हो जाते हो, बस उसी चीज से आप बोर नहीं हो सकते जिससे आप बे इंतहा प्यार करते हो, जो हमेशा आपके लिए नहीं होती है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो इन पत्तियों के पीछे आपको वो वाइट वाइट से माउंटेन्स दिख रहे हैं, वो भाई वो एवरेस्ट रेंज के माउंटेन्स हैं। उधर भी दिख रहा है एक, एक सेकेंड, वो बड़े से बादल के पीछे एक से, ये बड़ा बादल है और इसके पीछे ये जो माउंटेन दिख रहा है ये सारे एवरेस्ट रेंज के माउंटेन्स हैं। पता नहीं कहाँ से किस्मत खुली है, बादल साफ हो गए हैं। कल नहीं हो सकता था ये, कल होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, मतलब सांगर वो नागरकोट से मुझे अच्छे से दिख जाता ये सब, बट ठीक है उनके ही पास पहुँचेंगे कभी। अब अगला ट्रिप एवरेस्ट के आजू बाजू पहुँचेंगे। ये सब चीज़ें कवर नहीं हो पाई थी रात के समय पे, एकदम था मैं जब वापस जब आ रहा था मैं काठमांडू तो ये सब रात हो गया था। तो देखो कितना खूबसूरत है दोनों तरफ, रात में कुछ पता ही नहीं चला कि क्या था क्या नहीं था। काठमांडू के आउटर में छोटी सी जगह पड़ी थी, बेसिकली टूरिज्म वाले बस वस वाले भी रुके हुए थे। मैंने कहा पानी वानी ले लेते हैं, ठंडा पानी है मेरे पास लेकिन बहुत कम है, और वाई वाई खा ली मैंने, पहली वाई वाई खाई है 3 दिन में। और जब मैं मुस्तांग ट्रिप मार रहा था तो पता नहीं मैंने कितने बार वाई वाई खाई थी। लुक एट द व्यू मैन, देखो यार लॉन्ग ट्रिप पे आओ ना तो चीज़ें ऑप्टिमम क्वालिटी का ही लो, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी चीज़ भी अगर आपकी ख़राब होती है ना और आप सोलो राइड कर रहे हो, या फिर आप राइड ही क्यों ना कर रहे हो, आप ग्रुप के ही साथ क्यों ना हो, अगर आपकी एक छोटी चीज़ भी ख़राब होती है लाइक मोबाइल चार्जर ही ख़राब हो जाए, मोबाइल होल्डर ही टूट गया, तो तुम इमेजिन करो कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे रास्ते पर अगर मेरा मोबाइल टूट जाता है, मोबाइल होल्डर टूट जाता है, मोबाइल की नहीं बात कर रहा हूँ, तो अगर मोबाइल होल्डर टूट जाता है तो यू कैन इमेजिन कि मुझे अभी कितनी दिक्कत होगी। तो चीज़ें ऐसी लो, मजबूत लो। कल जब मेरी बाइक स्लिप हुई थी नागरकोट हिल पे मैं वापस आ रहा था जब, तो ये टेढ़ा हो गया था पूरा, बट मैंने इसको एडजस्ट किया, ये तुरंत सही हो गया क्योंकि मैंने मेटल का ले रखा है। तो जो भी चीज़ें आपके पास थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लो, वो आपको फ़ायदा ही करेगा। कल जो मेरी बाइक स्लिप हुई थी उसमें मेरा जो लेफ्ट लेग था वो स्ट्रेच हो गया था अचानक से, तो मतलब जो घुटने का नीचे वाला पोर्शन होता है, मतलब जिधर से मुड़ता है नीचे वाला, तो वो स्ट्रेच हो गया था। तो वही स्ट्रेचिंग वाला जो दर्द होता है ना कि आप अचानक से बहुत दिन बाद स्ट्रेचिंग करो, तो वही मेरा दर्द हो रहा है। तो मैं पैर सीधे कर रहा हूँ ना तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा अच्छा ना, बाइक पे लगातार आपका पैर मुड़ा ही रहता है ना, तो थोड़ा बहुत उससे भी दिक्कत होता है। मैंने मुस्तांग राइड की, लद्दाख से भी खतरनाक राइड होती है मुस्तांग की राइड, RR 310 पे। मैं काठमांडू आया RR 310 पे। अब ये बाइक्स के लिए जो खतरनाक चीज़ें होती हैं और क्या होती है भाई,
मेरी वाइफ आएंगी, कहेंगे आप अकेले तो घूम लिए, मुझे भी घुमाओ, तो उस समय ये सब डबल मारना पड़ेगा। तो तब के लिए बचा के रखा है काठमांडू तो पोखरा। तो ये जो नदी है इस पे एक सस्पेंशन ब्रिज है लोकल्स के लिए। सो दिस रिवर इज त्रिशूली रिवर एंड रिवर का फ्लो यू कैन सी द फ्लो। फ्लो इतना तेज है कि किसी को भी बहाने को तैयार है और पानी इसमें अथाह है। बहुत बड़ी रिवर है ये। ऐसे जगहों पे आना, इनको फील करना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत टास्क होता है। वक्त निकाल के आओ नेपाल, इट्स रियली वर्थ इट टू ट्रैवल इन नेपाल। खूबसूरती, डेंजर और भी कुछ शब्द हो तो जोड़ लो। जस्ट लुक एट द व्यू मैन। ऊंचे ऊंचे से पहाड़, बादल लगे हुए ऊपर, बारिश होने के भी चांसेस हैं। बादलों को रोक लेते ये पहाड़, पता है, कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें और कहीं नहीं जाना है, पहले हमें पानी दो फिर जाना। एक्चुअली एक बात बोलना चाहूंगा, वो हर एक यूट्यूबर या हर एक कंटेंट क्रिएटर, आप उदास मत हो। अगर आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं जा रहे हैं, लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जब शेयर करोगे तभी तो व्यूज जाएंगे। मैं अपने एंड से या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर अपने एंड से तो मैक्सिमम शेयर करता है, वो जितना उसे नॉलेज होता है उतना टैग्स लगाता है, सब कुछ लगाता है। अब उसके बाद से जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके करीबी हैं, जो उसके अपने हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि बंदे ने अगर मेहनत किया है, अगर आपको लगता है कि हाँ उसने मेहनत किया है, तो भले आप देखो ना देखो, आप शेयर कर दोगे ना तो उसकी हिम्मत बढ़ती है, उसका हौसला बढ़ता है। और कुछ नहीं जाता है शेयर करने में। क्या कोई आपसे पैसे ले रहा है या आपका मतलब ब्लड चला जा रहा है क्या शेयर करने में? अगर आपके शेयर से 2 या 3 व्यूज उस बंदे को मिल जाते हैं तो उसका इतना दूर आना या फिर वो जो भी बना रहा है, जो भी कंटेंट उसने क्रिएट किया है, उसके लिए उसको हिम्मत मिल जाती है। तो वो जो YouTube के जैसे YouTube क्रिएटर्स हो, यूट्यूबर हो, आपके व्यूज नहीं जा रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं लाइक मी, तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं अपने एंड से बेस्ट चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपने एंड से बेस्ट कंटेंट बना रहा हूँ, अकेले आ रहा हूँ इतने दूर राइड पे, सब कुछ कर रहा हूँ। अब इसके बाद अगर कोई मेरा वीडियो शेयर नहीं करता है, मेरे अपने जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं,
उन्हें तो करना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये आपका फेल्योर नहीं है, ये उनका फेल्योर है। सो डोंट वरी, आज नहीं कर रहे हैं कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, और नहीं करेंगे तो तुम्हारा वीडियो शेयर करने वाले हज़ार आ जाएंगे। डोंट वरी, बस अपना काम करते रहो। होपलेस नहीं होना है।